नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्विस कैंसर से कैसे बचे ये बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चोरडिया, जेएन कैंसर गायनेक कैंसर सर्जन हूँ। अगर सर्विस कैंसर लेते हैं तो इसका जो सबसे मोस्ट 99% वाला कॉज है, या ऑलमोस्ट आप 100% वाला कॉज बोल सकते हैं, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अनफॉर्चुनेटली एवरी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स को लाइफ टाइम में कभी ना कभी होता है। मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। और सर्विस कैंसर होने के पहले HPV वायरस का इन्फेक्शन होना काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट जरूरी पाया गया है। तो हमें सर्विस कैंसर से बचना है तो तीन फ्रंट पे हम काम कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली सर्विस जो HPV वायरस है, ये बॉडी में अगर आया तो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी इसको क्लीन करती है। लगभग दो महीने से दो साल तक अपनी नॉर्मल इम्यूनिटी इसको क्लियर कर सकती है। तो नेचुरल इम्यूनिटी अगर बढ़ाएंगे तो आपका HPV का इन्फेक्शन का रिस्क, अपने आप जो बॉडी इसको क्लियर करती है, वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको योगा करना है, डाइट पे ध्यान देना है, फ्रूट्स खाना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, हेल्दी भोजन पे ध्यान देना है, और इम्पोर्टेंट वजनाल जो क्लीनिंग हाइजीन है उस पर ध्यान देना है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन मेथड में, कि HPV वायरस है इसका होने के बाद में एक्चुअल कैंसर बनने को लगभग 3 से 7 साल लगते हैं। तो ये स्टेज में ये डॉर्मेंट रहता है या प्री कैंसर स्टेज में बीमारी सर्विस को लाता है। तो हम लोग अगर प्री कैंसर स्टेज में डायग्नोज कर पाए तो हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्री कैंसर स्टेज में अगर डायग्नोज करना है तो सबसे कॉमन यूज मेथड जो यूज होता है वो पैप स्मीयर टेस्टिंग होती है। पैप स्मीयर टेस्टिंग में सर्विस के ऊपर से ब्रश लेके वो सेल्स उसको स्क्रैप करते हैं और टेस्ट किए जाते हैं, उसमें प्री कैंसर चेंजेस कुछ आ रहे हैं क्या नहीं ये मालूम पड़ता है। तो सर्विस कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्टिंग आइडियली साल में एक बार करना चाहिए। अगर और प्रिसाइज करना है तो एक कॉल्पोस्कोपी करके टेस्ट होता है, जिसमें मैग्नीफाइड ग्लासेस में सर्विस को एग्जामिन किया जाता है। इसमें एक ड्रग लगाया जाता है जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, वो सर्विस के ऊपर स्प्रे करके फिर जो व्हाइट पार्ट है, एसिटो व्हाइट पार्ट बोलते हैं, वहाँ से ये बायोप्सी की जाती है। तो ये व्हाइट पार्ट जो है ये मोस्ट अनहेल्दी पार्ट रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस है। तो वो अगर पार्ट से हम बीमा निकालते हैं, उसमें कैंसर नहीं है या उसमें प्री कैंसर बीमारी नहीं है, तो मतलब आपको टेंशन नहीं। अगर उसमें प्री कैंसर स्टेजेस है तो आपको उसका इमीडिएटली इलाज करना पड़ता है। तो ये मोर प्रिसाइज टेस्ट है देन पैप स्मीयर टेस्टिंग, बिकॉज हम टारगेट करके बायोप्सी ले रहे हैं। और तीसरा चीज़ है HPV DNA, जो सर्विस टिश्यू से हम DNA टेस्ट कर सकते हैं, HPV के DNA है क्या नहीं, इसका मतलब HPV का इन्फेक्शन परसिस्टेंट है क्या नहीं, वो हमें मालूम पड़ सकता है। और अगर हम लोग 3 साल में एक बार भी करेंगे HPV DNA टेस्ट, तो अगले 3 साल तक हमें बीमारी होगा नहीं, इसकी हम लोग आशा कर सकते हैं। तो ये मोस्ट दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। तीसरा इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो ऑलमोस्ट एवरी फीमेल्स को कभी ना कभी लाइफ टाइम में HPV होता है। सारे HPV वायरस प्री कैंसर नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम जो डेंजरस वेरिएंट्स है उसके अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं, जिसको हम HPV वैक्सीन बोलते हैं, तो हम लोग HPV वायरस को बॉडी में पनपने से रोक सकते हैं। उसके एंटीबॉडीज़ की वजह से उसको हम कम्प्लीटली क्लियर कर सकते हैं, तो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन का तीसरा रास्ता है आपका वैक्सीनेशन। और फोर्थ मेथड है बैरियर मेथड। जब भी सेक्स करते हो तो आइदर कंडोम यूज़ करो या वजनल डाउट यूज़ करो, बैरियर मेथड, जिससे आपका HPV पकड़ने का चांसेस कम हो जाएगा। हालांकि ये 100% श्योर मेथड नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इससे रिस्क कम कर सकते हैं। तो रेगुलर चेकअप कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए, वैक्सीन लीजिए, हाइजीन पे और इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सर्विस कैंसर के लिए। और कुछ आपको जानकारी चाहिए सर्विस कैंसर के बारे में, तो नीचे लिखे नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।